गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर प्रियंका. हम लोग चैप्टर कर रहे थे चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम. वी हैव कवर्ड द फूड वेब, फूड चेन, इकोलॉजिकल सक्सेशन. वी वर डिस्कसिंग इन द लास्ट सेशन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टू टाइप्स ऑफ सक्सेशन दैट वी वर ऑन. दैट मीन्स इकोसिस्टम वी वर ऑन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, राइट. अब इकोलॉजिकल सक्सेशन में बात करती हूं. सक्सेशंस आर ऑफ टू टाइप्स. एक सक्सेशन है प्राइमरी सक्सेशन, एक सक्सेशन है सेकेंडरी सक्सेशन. ठीक है, अभी इनको हम लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है क्योंकि बोर्ड में 3 मार्क्स में इसका डिफरेंस भी क्वेश्चन पूछ सकता है. तो सबसे पहले प्राइमरी सक्सेशन. The succession that occurs at a place where no life existed before. Example, a newly cooled lava areas bear look, newly created ponds or reservoir. It takes 100 or 1,000 years to reach the climax community. Next बात करते हैं secondary succession. सेकेंडरी सक्सेशन के बच्चे बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया कि ऑलरेडी वहां पे कोई सक्सेशन थी, उसको डिस्ट्रॉय करके, डिवास्ट करके, चेंज करके दूसरी सक्सेशन के आने को आप सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे. तो इट बिगन्स इन एरिया वेयर natural biotic environment, or you can say community, biotic communities or environment have been destroyed example in an abundant farmlands, bone lands, जैसे जुम्मा farming करते हैं ना, bone lands के एक cultivation को बहुत. आप कभी hills कभी आप घूमने गए हो पंजाब area में, मध्य प्रदेश area में, तो आप हमेशा देखते हैं कि ना वो fields को जला रहे होते हैं. ठीक है, वो पूरे फील्ड्स को काला 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 सॉइल हो जाता है एंड वो फील्ड्स को जला रहे होते हैं.
बेटे उसका क्या मतलब होता है, वो फील्ड्स को जला नहीं रहे होते हैं एज अ, जब वो फसल काटते हैं, ठीक है, जब वो क्रॉप्स को कटिंग करते हैं तब छोटे छोटे क्रॉप्स बच जाते हैं। अभी छोटे छोटे क्रॉप्स के ऊपर दूसरा क्रॉप वो सीड नहीं जर्मिनेट कर पाएंगे, इसीलिए रादर देन पिकिंग वन साइमल्टेनियसली वन बाय वन दे विल बर्न द होल एरिया। उसे क्या होता है, बर्निंग करने से सॉइल की न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बनी रहती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन, मतलब उन्होंने फॉर एग्जांपल इस बार उन्होंने राइस का कल्टीवेशन किया, तो ऑब्वियसली एक सॉइल इरोजन में कंजर्वेशन होती है, कि सॉइल इरोजन में ये कंजर्वेशन होती है कि एक कल्टीवेशन कर दिया है, अब दोबारा से राइस हो करेंगे तो सॉइल विल लूज ऑल इट्स न्यूट्रिएंट्स। तो वो डिफरेंट फार्मिंग मेथड्स को यूज करते हैं। डिफरेंट फार्मिंग मेथड्स को वो कैसे यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी राइस यूज, अभी राइस की फार्मिंग उन्होंने की, तो थोड़े दिन बाद मतलब आफ्टर द नेक्स्ट वो वीट की फार्मिंग कर लेंगे, फिर साइमल्टेनियसली जब वीट की फार्मिंग खत्म हो जाएगी तो वो राइस की। इससे क्या होता है कि एक ही न्यूट्रिएंट बार बार डिप्लीट नहीं होता इन द सॉइल, एंड सॉइल विल हैव इट्स, मतलब सॉइल के पास अपना खुद का न्यूट्रिएंट रिजर्वायर डिप्लीट नहीं होता, ठीक है। तो हाँ, जैसे मैं बता रही थी बर्न एरियाज में, जैसे कि उन्होंने उस एरिया को पूरा बर्नड कर दिया, और जब भी उन्होंने उस पूरे एरिया को बर्नड किया इन अ वन सिंपल वे, तो उसके बाद उन्होंने न्यू एरिया को बोला, न्यू एरिया एक लैंड क्लियर किया फॉर द सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। बर्न लैंड हो गए आपके, कट फॉरेस्ट हो गए। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट फायर्स, आपने नाम सुना होगा, फॉरेस्ट फायर्स क्या होते हैं कि फॉरेस्ट में आग लग जाना, ठीक है। अभी फॉरेस्ट में आग लग जाना, किसी भी वजह से अगर फॉरेस्ट में आग लग गई तो उसके बाद ऑब्वियसली न्यू हैबिटेट विल ऑल्सो ग्रो आफ्टर सम और अदर टाइम, तो उसके बाद उसको कह देते हैं सेकेंडरी सक्सेशन, कि कभी किसी जमाने में यहाँ पे किसी भी टाइप का लाइफ एग्जिस्ट किया करती थी, बट ड्यू टू सम ऑफ द मिस हैपनिंग, या जानबूझ के कह लो, या नेचर के ही टेक्निक थी कि उसको डिस्ट्रॉय करके न्यू सक्सेशन को एक्सपेरिमेंट करना था, तो उसकी वजह से वो सेकेंडरी सक्सेशन में आ गई, राइट। तो अभी उसके बाद सेकेंडरी सक्सेशन में हम लोग तीन चार चीजें और डिस्कस करेंगे कि इन सेकेंडरी सक्सेशन, इन सेकेंडरी सक्सेशन ऑन सेम सॉइल और सेडिमेंट न्यू सक्सेशन इज प्रेजेंट एंड टेक कंपैरेटिवली लेस टाइम टू रीच द क्लाइमेक्स कम्युनिटी, राइट। सो इन सेकेंडरी सक्सेशन द टाइप ऑफ पाइनियर स्पीशीज डिपेंड्स ऑन, पहला, दिस इज किंड इम्पोर्टेंट, पहला कंडीशंस ऑफ सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एनवायरमेंटल कंडीशन, और एक और अगर ले लेंगे हम लोग चौथा, सीड्स अदर प्रोपेग्यूस प्रेजेंट, राइट। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे सक्सेशन ऑफ प्लांट्स। तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ हैबिटेट
सक्सेशन ऑफ प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड इंटू टू कैटेगरीज. दो पहली कैटेगरी है आपकी हाइडार्च दूसरी है एक्सार्च राइट. तो क्या है हाइडार्च सक्सेशन एंड एक्सार्च सक्सेशन. हाइडार्च सक्सेशन एंड एक्सार्च सक्सेशन टेक्स प्लेस इन वेट एरिया और वॉटर बॉडीज एंड द सक्सेशनल सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू म्यूजिक कंडीशन. ठीक है, इसका ये क्या है एक्सार्च में टेक प्लेस इन ड्राई एरियाज और जिरिक कंडीशंस बेयर रॉक्स एंड द प्रोग्रेशन फ्रॉम जेरिक टू म्यूजिक कंडीशन. राइट, जेरिक टू म्यूजिक कंडीशन. अभी अगर मैं इनके स्टेजेस की बात करूं बच्चे, तो स्टेजेस में स्टेजेस ऑफ एक्सार्च सक्सेशंस, तो उसमें सबसे पहला स्टेज जो हम लोगों का है वो है लाइकन्स ब्रायोफाइट्स हर्बेशियस प्लांट्स श्रब्स फॉरेस्ट कम्युनिटी. अगर इसकी बात करूं तो ये सबसे स्टेबल कम्युनिटी है. राइट, स्टेबल कम्युनिटी. सीरियल कम्युनिटीज पाइनियर स्पीशीज secrete acid to dissolve rock help in weathering and soil formation. समझ में आ गई कि अगर मैं stages of disease successions की बात करूं तो सबसे पहले lichens, फिर ब्रायोफाइट्स, फिर हर्बेशियस प्लांट्स, हर्बेशियस प्लांट्स के बाद फिर आते हैं श्रब्स, फिर फॉरेस्ट कम्युनिटी. एंड फॉरेस्ट कम्युनिटी इज कॉल्ड एज द स्टेबल कम्युनिटी. ऐसे ही अगर मैं स्टेजेस ऑफ हाइडार्च सक्सेशंस पे आऊं, स्टेजेस इन हाइडार्च सक्सेशन तो इसमें सबसे पहले आ जाते हैं
फाइटोप्लैंकटन, फ्री फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स, रूटेड हाइड्रोफाइट्स, सेजेस, ग्रासेस, इसको ऐसे नहीं, सेजेस, ग्रासेस एंड लास्ट इज श्रब्स एंड हर्ब्स. श्रब्स एंड रादर ट्रीज. अगेन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी है जो कि सबसे स्टेबल कम्युनिटी है. ठीक है, जिसको आप फॉरेस्ट कम्युनिटी भी बोल सकते हैं क्योंकि ये मात्रा में भी ज्यादा है, नंबर में भी ज्यादा है और मोस्टली इंडिविजुअलिटी के हिसाब से ज्यादा एग्जिस्ट करती है ना फॉरेस्ट में. अभी ग्रास देखोगे, अभी ग्रास किसी एरिया पे है किसी एरिया पे नहीं है, सो इट कांट बी वेरी स्टेबल. सो इट इज अ सीरियल इन बिटवीन, उनके बीच में सीरियल कम्युनिटीज. और फाइटोप्लांकटन इज द पाइनियर स्पीशीज. ऐसे ही अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो डायग्रामेटिकली अगर आप इसको दिखाएंगे तो दूसरा डायग्रामेटिकली ये आपका सॉइल हो गया जो सेडिमेंट रॉक्स का बना गया है. ठीक है, ये दोबारा आपका सॉइल हो गया जो कि दोबारा आपका सॉइल बना रहा है. ये आपकी प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट हो गई इन अनगिवन एरिया. ठीक है, तो यहां से बात हुई थी. अगर मैं यहां पे भी थोड़ा सा फोटो प्लैंकटन दिखा दूं तो यहां पे देखो मैंने दिखा दिया फाइटोप्लैंकटन. ठीक है, तो यहां पे फाइटोप्लैंकटन से स्टार्ट हुई थी और यहां पे स्वैम स्टेज आ गई. स्वैम स्टेज का मतलब है कि दे हैड ग्रोन इन अ क्वाइट गुड क्वांटिटी इन अ सर्टेन एरिया. इससे ये स्टेज राइट. ऐसे ही सबमर्ज स्टेज, अगर सबमर्ज स्टेज बनाओगे तो अंदर ग्रो कर रहे हैं छोटे छोटे, और अगर आउटर स्टेज बनाओगे तो वो बाहर जाके इस सॉइल एरिया के बाहर जाके ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, और अगर एक स्टेज बनाओगे तो वो एक सबमर्ज वाटर स्टेज है और ये वाली स्टेज इन द सेडिमेंट फेस में से बाहर जाके ग्रो कर रहे हैं राइट. ऐसे ही फ्री फ्लोटिंग में ऊपर ऊपर ग्रो कर रहे हैं. फ्री फ्लोटिंग में ये ऊपर ऊपर ग्रो कर रहे हैं और इसमें ये इन अ फॉर्म ऑफ काफी इन लार्ज क्वांटिटी में स्क्रब स्टड बन गए. और लास्ट में अगर आप इसकी फॉरेक्स कम्युनिटी देखोगे, फॉरेस्ट कम्युनिटी देखेंगे, तब यू विल एबल टू रियलाइज कि ये लेक से स्टार्ट हुआ था, नाउ दे विल बिकम ऑल श्रब्स हर्ब्स ट्रीज. कोई फ्री फ्लोटिंग से कोई स्टेज नहीं आ रही एंड अल्टीमेटली द स्वाम स्टेज एंड द फोटो फाइटोप्लांकटन स्टेज विल बी इन द स्टेबल
क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये जो हाइडार्क सक्सेशन है वो बेसिकली वो जगह है जहां पे आपके पानी वाली कंडीशंस मेनली कि आपकी पानी के प्रेजेंस में प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट हुए और वहीं से उन्होंने एक स्टेबल कम्युनिटी को सक्सेस किया। ऐसे ही जराक का मतलब होता है एक लैंड एरिया से या आप एक सॉयल से स्टार्ट किया उन्होंने और सॉयल से उन्होंने एक स्टेबल कम्युनिटी को दे दिया। तो सक्सेशन दो टाइप की होती है, ऐसे जैसे आप टेरिस्ट्रियल और एक्वाटिक करते हो ऐसे ही आपने जिजार्जन हेग्जार्ड हाइड्राक सक्सेशन किया है। अभी हाइड्राक सक्सेशन एंड जिराक सक्सेशन में आपसे स्टेजेस पूछी जाएंगी जिसमें पाइनोर स्पीशीज का 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा कि लाइकन और इसमें जो फाइटोप्लैंकटन है वो सेम कैसे, क्योंकि लाइकन से इनकी बेसिकली एक शुरुआत हो रही है। अगर सॉयल नहीं बनेगी, ब्रायोफाइट्स नहीं बनेंगे, हर्बेशियस प्लांट्स नहीं बनेंगे और उसके बाद छोटी छोटी ग्रासेस या स्पर्म्स वगैरह कुछ नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर उसमें मैं अगर हाइडार्क कम्युनिटी की बात करूं तो फाइटोप्लैंकटन पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं, जब तक वो शुरुआती नहीं आएंगे श्रब्स व्रब्स पानी के अंदर आ ही नहीं सकते, ग्रासेस फॉर्मेशन नहीं हो सकती हैं। सो इसका मतलब ये है कि द पाइनियर स्पीशीज जिससे स्टार्ट एक जगह का, ठीक है, तो वो जगह का स्टार्ट की अगर बात करूं तो वो हाइडार्क एंड हेग्जार्ज कम्युनिटी का है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वेरी इंपॉर्टेंट 11th क्लास में भी आपने किया होगा, ये इस चैप्टर में भी आ रहा है, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, बेसिकली न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है क्या? अभी फॉर एग्जांपल बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, हम भी हमारे अंदर है कार्बन हाइड्रोजन जिसको आप केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फॉर्म में भी पढ़ते होंगे। उसके बाद न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में और क्या क्या आ जाता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में आप लोग और 3-4 बातें सीखते हो कि फॉर एग्जांपल आप नेचर से कार्बन ले रहे हो, आप नेचर से ऑक्सीजन ले रहे हो, ट्रीज नाइट्रोजन ले रहे हैं ग्रो करने के लिए, लेकिन वो वापस भी तो करना है नेचर को, वरना वो न्यूट्रिएंट दोबारा वो तो डिप्लीट हो जाएंगे। एक बार आपने यूज कर लिया वो तो डिप्लीट हो गए, अभी कोई सोर्स तो होना चाहिए ना वापस। तो बेसिकली न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हमारे में से ही रिसाइकल होके फॉर द रीयूज तैयार होते हैं ताकि हम लोग उनको रीयूज कर पाए, राइट। तो अगर मैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की बात करूंगी तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिजम्स नीड अ कॉन्स्टेंट सप्लाई of nutrients to grow, reproduce and regulate the body functions the amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus, calcium, etc. present in the soil at any instant of time or at any time period, right, is called standing stage. In the standing stage we have कि न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि सॉइल है, हम लोगों ने फार्मिंग कर दी, हम लोगों ने उसमें पोटैटो ग्रो कर दिए। अभी सॉइल के कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं वो पोटैटो ग्रो करने के लिए पोटैटो की फसल ने सॉइल से ले लिए। अभी सॉइल के पास एज कंपेयर टू अदर न्यूट्रिएंट, ठीक है, पोटैटो ग्रो करने वाले न्यूट्रिएंट्स हो गए कम। अभी न्यूट्रिएंट कौन से हो सकते हैं, कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस कैल्शियम, यही सारे हैं, ठीक है। प्लांट बॉडी और हमारी बॉडी भी उन्हीं से बनी हुई है, राइट।
तो अगर मैं यही बात करूं कि सच एज कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस, वो लेट अस सपोज फॉस्फोरस कम हो गया एक प्लांट में, एक सॉइल में, अभी दूसरा क्या हो जाएगा अगर फॉस्फोरस खत्म हो गया और मैंने उसमें दोबारा फार्मिंग कर दी सॉइल में, तो फॉस्फोरस विल बी ऑटोमेटिकली एंड कम्प्लीटली डिप्लेटेड। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने फॉस्फोरस, मैंने अब उसमें टोमेटो ग्रो, पोटैटो नहीं ग्रो किए, मैंने उसमें कोई और फार्मिंग कर दी, लेट अस सपोज नाइट्रोजन यूज्ड अप हुआ, जब तक नाइट्रोजन डिप्लीट हुआ या जब तक नाइट्रोजन एक फसल ने यील्ड किया, तब तक फॉस्फोरस दोबारा फ्रॉम द एटमॉस्फेयर साइकिल एंड द इकोलॉजिकल साइकिल दोबारा सॉइल में वापस आ गया। ठीक है, सो ये जो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये एक स्लो टाइम तो बेस्ड करते ही है कि ठीक है धीरे 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 रिसाइकल हो रहे हैं, बट यही सिस्टम है कि इनऑर्गेनिक मैटर को या ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ के एक ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में लाया जाए। ठीक है, अभी इसी में, इसीलिए जो एक गिवन सॉइल में, हम लोगों ने ये डेफिनेशन शुरू में भी की थी कि एक गिवन टाइम पीरियड पे अगर आपको देखना है एक वैल्यू, जैसे आप अगर आपको कोई सामान बेचना है तो आप उसकी वैल्यू देखते हो कि भाई वो कितना, जैसे कार बेचनी है तो आप उसकी वैल्यू निकालते हो ना ट्रू वैल्यूज पे जाके इधर उधर, तो इन द सेम वैल्यू में एक आपको सॉइल की वैल्यू देखनी है कि उसमें कितने न्यूट्रिएंट है और उसमें अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट एट द स्पेसिफिक टाइम ऑफ दैट सॉइल, तब आप उसको बोल दोगे स्टैंडिंग स्टेज ऑफ द सॉइल और द स्टैंडिंग स्टेट। अभी हर की ट्रू वैल्यू ऑफ द सॉइल इज डिफरेंट, इट वेरीज इन डिफरेंट काइंड, क्योंकि अगर मैं माउंटेनियरिंग रीजन पे जाऊंगी तो उसकी ट्रू वैल्यू कुछ अलग होगी सॉइल में, उसमें क्या पता फॉस्फोरस कम है नाइट्रोजन कम है, अगर मैं राजस्थान वाली सॉइल में जा रही हूं तो उसकी ट्रू वैल्यू कुछ कम ज्यादा हो सकती है, तो देयर विल बी डिफरेंट इन एवरी काइंड, अभी जरूरी नहीं कि एक ही पे हो रहा है, तो देयर विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम एंड ऑन अ सीजनल, सीजन क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से भी डिफर हो सकती है। ठीक है, सीजनल बेसिस, अगर मैं कहूं द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सबसे पहले अभी क्या कर रहे हैं, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि ऊपर हम लोगों ने ये देखा कि सॉइल को, मतलब सॉइल को डिप्लीट होने से आप कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, अभी आपने सॉइल को डिप्लीट होने से रोक लिया कि ठीक है एक न्यूट्रिएंट आपने डाला, जब तक वो यूज्ड अप हुआ दूसरा न्यूट्रिएंट बन गया, लेकिन द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द एलिमेंटल स्टेज, ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे इन अ फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट पॉइंट। ठीक है, एनसीईआरटी कह रही है द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स एलिमेंटल फॉर्म में लाना जरूरी है इनका। ठीक है, थ्रू वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम लाइक डिकम्पोजर्स हो गए, बहुत सारे हो गए, इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और बायो जियो केमिकल साइकल्स, राइट। अभी न्यूट्रिएंट साइकिल दो टाइप्स की हैं, आर ऑफ टू टाइप्स, पहली है गैशियस साइकिल, दूसरी है सेडिमेंट्री। गैशियस कंप्राइजेस ऑफ अ गैस, गैस जो डिप्लीट हो रही है, ठीक है, सेडिमेंट्री जो आपका सॉइल्स में डिप्लीशन आ रही है, ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं गैशियस साइकिल, फॉर गैशियस साइकिल्स
जितना भी आपका ऑक्सीजन कोई भी गैस के फॉर्म में डिप्लीशन हो रहा है, नाइट्रोजन एयर में से डिप्लीट हो रहा है, ऑक्सीजन डिप्लीट हो रहा है, वो वापस से इकोसिस्टम में डालना है, तो उसके लिए भी गैसियस साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल चलती है। अब ऐसे ही सॉइल के अंदर जो भी सेडिमेंट्री डिप्लीशन हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का, वो भी थ्रू द न्यूट्रिएंट साइकिल और बायोजियोकेमिकल साइकिल से होती है। ठीक है, सो द रिजर्वायर फॉर गैसियस साइकिल एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर, एग्जाम्पल क्रस्ट, एग्जाम्पल कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। ऐसे ही अगर मैं बात करूं सेडिमेंट्री साइकिल की, द रिजर्वायर फॉर सेडिमेंट्री साइकल्स अकर्स इन अर्थ क्रस्ट, एग्जाम्पल फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, सॉइल फॉर्मेशन, मॉइस्चर, पीएच रेगुलेट द रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू एटमॉस्फेयर। The reservoir of the cycle meets the deficit which occurs the imbalance in the rate of influx and efflux. राइट, अब सबसे पहले मैं बात करूंगी इकोसिस्टम कार्बन साइकिल। इकोसिस्टम कार्बन साइकिल, इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। कार्बन साइकल्स अकर थ्रू एटमॉस्फेयर, ओशंस, लिविंग and dead organisms. About 71% carbon is found in oceanic reservoir which regulates the
अमाउंट ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर अबाउट 4×10⁻³⁰ kg ऑफ कार्बन एग्स फिक्स्ड इन बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस एनुअली और ईयरली. The fixed carbon returns to the atmosphere as CO2 through respiratory activities of the producers and consumers. Right. Decomposers, forest fire, combustion of organic matter and fossil fuel, volcanic activities are other sources for releasing CO2 in atmosphere. Human activities such as rapid deforestation, massive burning can be utilized, yeah, you can say, have increased the rate of CO2 in the atmosphere in return, which is responsible for global warming, right? So CO2 is a main factor for global warming. So that's how the carbon cycle, carbon can be neutralized and reused. ठीक है. Next हम लोग बात करते हैं ecosystem phosphorus cycle. इसके लिए सबसे पहले सॉइल सॉल्यूशन डिट्रिटस consumer. ये एरो इसलिए डार्क कर रही हूं ताकि दिखे कि ये टोटल नीचे में नहीं जा रहा. रॉल मिक्लर रॉक एंड मिनरल से ऊपर आ रहा है और बाकी से डाउनवर्ड एरोज आर फॉलिंग. ठीक है.
प्रोड्यूसर, लिटर फॉल, वेदरिंग, अपटेक, रन ऑफ, ठीक है। सो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें लिखूंगी अ नेचुरल रिजर्वॉयर ऑफ फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट। अभी जो हम लोगों ने ऊपर ये जो डायग्राम बनाया है ना इन अ वे, ये तो इसमें बेटे फॉस्फोरस साइकिल में सबसे पहले कंज्यूमर, ठीक है, दैट मीन्स द डिट्रिटर्स आर वर्किंग ऑन देम एंड द रॉक एंड मिनरल्स विच आर अल्टीमेटली ड्रेन्ड इन द सॉइल। अभी सॉइल अपटेक कर लिया प्रोड्यूसर्स ने और रन ऑफ हो गया वेदरिंग प्रोसेस में। अभी प्रोड्यूसर्स इन रिटर्न लेटर फॉल में दे रहे हैं न्यूट्रोफिल्स को और कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट, फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट रॉक विच कंटेन फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स, इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स, फॉस्फेट्स एंटर्स द प्लांट्स through roots and then to herbivores and other animals the waste products and the dead organisms are decomposed by phosphate solubilizing bacteria releasing phosphorus back in soil. The atmospheric input through rainfall or gaseous exchanges of phosphorus between organism and environment are negligible, right? वो फिर negligible हो जाएंगे। नेगलिजिबल, सो दिस इज द फॉस्फोरस साइकल्स वी हैव डिस्कस्ड, इकोसिस्टम इन अ फॉस्फोरस साइकिल। तो फॉस्फेट्स के फॉर्म में फॉस्फोरस साइकिल में एंटर होता है और आफ्टर दैट एंटर होने के बाद इट कैन बी इजीली वाइप्ड आउट एंड द डिस्कस। नाउ वी आर लेफ्ट विद वन टॉपिक ओनली, दैट इज द इकोसिस्टम सर्विसेज। अब हम लोग बात करते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज की।
बच्चे इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब होता है कि वो जो प्रोडक्ट चाहे कोई भी बना रहा हो जो कि यूटिलाइज्ड हो रहे हो इन द स्ट्रेटिफाइड मैनर, यूटिलाइज्ड हो रहे हो इन द स्ट्रेटिफाइड मैनर, तो आप उसको बोल देंगे कि वो है इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, जो कि एक मेंबर दूसरे मेंबर के लिए कर रहा है, या दूसरा मेंबर पहले मेंबर के लिए कर रहा है, या एक सिंप्लीफाइड मेंबर में दोनों सारे कर रहे हैं मिलके, तो आप उनको बोल देंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द इकोसिस्टम सर्विसेज, द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम processes are called ecosystem services, are ecosystem services. For example, healthy forests as an ecosystem, provide following services. कौन सी services एक healthy forest हम लोगों को provide कर सकता है? It can be many. So let us study. Purify air and water. Cycling nutrients, mitigate droughts and floods, provide wildlife habitat, generate fertile soil, maintain biodiversity, pollinate crops, provide storage site for carbon, provide aesthetic, cultural and spiritual values, provide storage of carbon, phosphorus and other nutrients. ठीक है, ऐसे ही मैनी साइंटिस्ट आए जिन्होंने इकोलॉजिकल सर्विस के बारे में थोड़ा और हम लोगों को बताया, जैसे रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, एंड हिज कलीग्स ट्राई टू पुट price tags on nature's life support services, which can't be compared, right? Researchers have estimated them
टू 33 बिलियन ट्रिलियन यूएस डॉलर अ ईयर, व्हाइल ग्लोबली ग्लोबल जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट is only 18 trillion US dollar. The soil formation account for 50% for recreation and nutrient cycling are less than 10% of the overall ratio, जिसमें कि क्लाइमेटिक रेगुलेशंस भी आ गए आपके, और लास्ट आ जाता है वाइल्ड लाइफ सपोर्ट जो कि 6% है. ठीक है, सो इकोसिस्टम सर्विसेज आपका इसमें सारा बता रखा है इन लोगों ने कि कैसे एनसीईआरटी इज गिविंग ब्रीफ अकाउंट कि हाउ यू कांट मेजर द वैल्यूज एंड द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इकोसिस्टम लाइक योर फॉरेस्ट लाइक द वाइल्ड लाइफ वट एवर थिंग्स हम लोग जो वी आर गेटिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट फ्रॉम द इकोसिस्टम एज अ ग्लोबल यूनिट उसका प्राइस टैग इज वेरी प्रीशियस लाइक 18 ट्रिलियन फॉर द जीएनपी रेशियो और अगर मैं ग्लोबली निकालूं तो 33 ट्रिलियन एनुअल रेशियो के हिसाब से हम लोगों को उस प्राइस टैग की वैल्यू है. सो अगर हम लोगों को पानी फॉरेस्ट पैसे लेके देते तो दैट मीन्स द प्राइस टैग द रॉबर्ट कोस्टेंजा एंड हिज कलीग्स वर पुट ऑन द सर्विसेज वी आर गेटिंग फ्रॉम द इकोसिस्टम इज अनवैल्यूएबल राइट वैल्यूएबल टू वेरिएबल एंड द प्राइसलेस. सेकेंड चीज हम लोगों ने बात की थी फॉस्फोरस साइकिल से. एक बार इस फॉस्फोरस साइकिल्स की बात में और देख लेंगे कि बेटे जो इसमें हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था फॉस्फेट्स का कि फॉस्फेट्स के थ्रू प्लांट्स एंड एनिमल्स एब्जॉर्ब करते हैं और जब भी अगर फॉस्फोरस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट भी है तो वो सॉल्ट्स के फॉर्म में टूटता है और वो प्लांट्स में रीअब्जॉर्ब या रिसाइकल के लिए जाता है. दैट मीन्स कि अगर कोई भी अगर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में जैसे लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लोगों ने पढ़ा था अमोनिफिकेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन है ठीक है नाइट्रोजन को रिसाइकल किया गया है. ठीक है, उसके चार पांच स्टेप्स हम लोगों ने किए थे. उन चार पांच स्टेप्स में उस पर फिर एंजाइम्स एक्ट कर रहे हैं, उस पर प्लांट्स एक्ट कर रहे हैं क्योंकि प्लांट्स नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ NO3 लेते हैं. ठीक है, उसके फॉर्म की वजह से हम लोग देख रहे हैं गैसियस साइकिल्स जैसे कार्बन साइकिल्स. एटमॉस्फेयर का एक लेवल होता है O2 लेवल, ऐसे ही कार्बन का एक लेवल होता है, ऐसे ही सल्फर का एक लेवल होता है फॉस्फोरस. जब ये लेवल ऊपर नीचे हो जाते हैं तब देयर विल बी द डिप्लीशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स और अगर ये ज्यादा हो जाते हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज अ टॉक्सिसिटी राइट. उसके बाद अब बात करते हैं बोर्ड की लास्ट. इसमें लास्ट ईयर हमेशा फॉस्फोरस साइकिल या कार्बन साइकिल किसी एक में से टॉपिक होता है जिसमें आपको एटलीस्ट 5 पोस्टुलेट्स और उसका एक शॉर्ट टर्म डायग्राम बना के उनको दिखाना पड़ता है. उस डायग्राम में यू हैव टू सबमर्ज ऑल द वैल्यूएबल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स को वैल्यू डिटरमाइन करते हुए आपको उनको बताना पड़ता है कि दिस पॉइंट कैन बी दैट एंड दिस पॉइंट कैन नॉट बी दैट. मतलब आप उनको जस्टिफाई करोगे डायग्रामेटिक व्यू देके. ठीक है, और अगर इन पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की बात करूं, तो स्टैंडिंग स्टेट एंड द स्टैंडिंग क्रॉप में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टैंडिंग स्टेट एंड द स्टैंडिंग क्रॉप.
ठीक है, ऐसे ही एनर्जी फ्लो, व्हाई द एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, वन मार्क में, टू मार्क्स में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द सेइंग व्हिच इज रिपीटेडली. तो इन एन इकोसिस्टम व्हेन द एनर्जी फ्लोस फ्रॉम द टॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट, सम एनर्जी विल बी लॉस्ट एज अ हीट टू ईट ट्रॉपिक लेवल, और वो एनर्जी कभी भी लौट कर नहीं वापस आती. सो एनर्जी कैन नॉट बी बाय डायरेक्शनल. ये तो आपका थर्मोडायनेमिक्स का रूल भी कहता है कि एक बार जो भी हीट एनर्जी, लेट अस सपोज कि दिस होल यूनिवर्स इज एन इकोसिस्टम, और एक बार एक इस सिस्टम में हमारी कोई भी एनर्जी लॉस हो गई तो वो ऐसे ही वापस नहीं आएगी. कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए. टेंथ क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है. ऐसे ही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की आई थी कि एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर, आर रेफर्स टू द रेस्पिरेटरी लॉसेस. अगर मैं बात करूं एडिशनल क्वेश्चंस के जो इस चैप्टर्स में जो है कि बेसिस ऑफ द कम्युनिटी एंड द नेचुरल सराउंडिंग्स की बात करी थी, इन्होंने न्यूट्रिशियस फूड चेन की बात की थी, और एक क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बनता है वो बनता है इन्वर्टेड इकोलॉजिकल पिरामिड्स में से. इन्वर्टेड पिरामिड से हमारा क्वेश्चन बनता है कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते क्या हैं, और इन्वर्टेड पिरामिड्स के एग्जांपल बताइए वाइल उनको डिपिक्ट करके दिखाइए. सो वी हैव हेयर वी हैव कम्प्लीटेड द चैप्टर, एंड द चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जाम डिफ्रेंशिएशन, कि आपको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी लिटर एंड डिट्रस में, फूड चेन, फूड वेब, अपराइट पिरामिड एंड द इन्वर्टेड पिरामिड, प्रोडक्शन डिकम्पोजिशन में डिफ्रेंशिएट, ग्रेजिंग फूड चेन एंड द डिट्रस फूड. काफी कुछ तो मैंने खुद भी लिख लिया है नोट्स में while I'm explaining you the chapter. बाकी सारे नोट्स आपको किसी और बुक से ना प्रेफर करके एनसीईआरटी प्रेफर करेंगे, दैट विल बी मोर सुटेबल. सो जस्ट कीप रिवाइजिंग एंड प्लीज इस चैप्टर को थोड़ा मोर थरोली कीजिएगा, क्योंकि इकोलॉजी इज नॉट अ सिंपल यूनिट. इट इज वेरी सिंपल यूनिट इन टर्म्स ऑफ द थ्योरी पार्ट, तो आप उसको पढ़ लेंगे, आप उसका आंसर इजीली कर पाएंगे. यू हैव टू जस्ट लर्न इट. सो जस्ट कीप रिवाइजिंग. ऑल द बेस्ट. वी गोना स्टार्ट विद द नेक्स्ट 15 चैप्टर, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इन द नेक्स्ट यूनिट. थैंक यू. Thank you.